आलिया भट्ट ने बॉब देओल के साथ शूट किया था क्रूर एक्शन सीक्वेंस। आइए जाने कब तक रिलीज हो सकती है ये फिल्म। आलिया भट्ट इन दोनों अपनी इस मोस्ट अपडेटेड फिल्म अल्फा पर काम कर रही हैं। हर कोई स्पाई यूनिवर्स फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वही दोस्तों खबर आई थी कि आलिया भट्ट बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल के साथ एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार आलिया और फिल्म के विलन बॉबी देओल इस समय मुंबई में है, जहाँ वे फिल्म सिटी में एक भारी सुरक्षा वाले सेट पर शूटिंग कर रहे हैं। आलिया भट्ट अल्फा के साथ जासूसी की रोमांचक दुनिया में शामिल हो गई है। जुलाई के पहले सप्ताह में अंधेरी के वारफ स्टूडियो में शूटिंग शुरू हुई और यूनिट गोरेगांव में फिल्म सिटी में शिफ्ट हो गई, जहां 100 गार्ड्स की ड्यूटी लगाई गई। अब आलिया और बॉबी कथित तौर पर एक एक्शन से भरपूर सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं, जिसे एक क्रूर एक्शन सीक्वेंस बताया जा रहा है। वही हाथापाई से लेकर हथियारों का इस्तेमाल करने तक आलिया भट्ट और बॉबी देओल इस एक्शन सीक्वेंस के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। रिपोर्ट के अनुसार शूटिंग 4 दिनों तक चलेगी और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने सुनिश्चित किया कि सेट पर कड़ी सुरक्षा हो। 100 लोग किसी भी संभावित लीक को रोकने के लिए सेट पर सुरक्षा करेंगे। वही दोस्तों दूसरी ओर आपको ये बताना चाहेंगे कि आलिया भट्ट इस फिल्म में मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन करती नजर आएंगी। शिव रिवेल द्वारा डायरेक्टेड अल्फा वायरस स्पाई यूनिवर्स की नई फिल्म है। इसमें शर्वरी वाघ भी हैं। शर्वरी भी फिल्म में एक्शन अवतार में नजर आएंगी। इसी बीच आपको ये बताना चाहेंगे कि इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर भी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है। सभी को जानने की ये इच्छा है कि आखिर वायरस की अल्फा फिल्म जो है वो हमें कब तक देखने के लिए मिल सकती है। इसके लिए दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे कि खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि सबसे पहले तो ऋतिक रोशन स्टारर वॉर 2 2025 में रिलीज होगी और उसके बाद ही 2026 के एंड तक हमें अल्फा फिल्म देखने के लिए मिल सकती है। यानी लगभग नवंबर या अक्टूबर के मंथ में हमें अल्फा फिल्म देखने के लिए मिलेगी। फिल्म पे काफी जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया गया है और सभी अल्फा फिल्म के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि वॉर 2 में आलिया भट्ट कैमियो करने वाली हैं, जिससे ऑडियंस को उनके कैरेक्टर का एक इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका अल्फा फिल्म को लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।